वेल गाइस, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल ग्रो टैलेंट पर। मेरा नाम है दीपक निषाद और आज मैं आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी हेल्प से हम बैक्टीरियल कॉलोनी को काउंट कर सकते हैं, फंगल कॉलोनी को काउंट कर सकते हैं। आप गैस कर सकते हो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? यस गाइस, कॉलोनी काउंटर। ओके, आओ आपको मैं आज कॉलोनी काउंटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो गाइस, इट्स अ कॉलोनी काउंटर। अगर मैं आपको इसके पूरे फंक्शंस के बारे में बताऊं, तो गाइस पहले हम स्टार्ट करते हैं रिसेट से। देखो, रिसेट है, मेमोरी लोकेशन है, काउंटर करेक्शन है, होल्ड है, सेव है, चेक मेमोरी है। अब इस सारे बटन्स का या फिर इन सारे फंक्शंस का क्या यूज़ हो रहा है मैं आपको बता दूँ नंबर बाई नंबर, ठीक है। रिसेट गाइस, जैसे कि आपने पूरी कॉलोनी, आप अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कॉलोनीज हैं आपकी, अगर इन कॉलोनीज में से आप कोई भी कॉलोनी को काउंट कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी सारी कॉलोनी काउंट कर चुके हो कॉलोनी काउंटर। और गाइस, सबसे पहले काउंट करने के लिए आपके पास है ये कॉलोनी काउंटर मार्कर। जैसे कि आप कोई भी कॉलोनी काउंटर को कॉलोनीज को काउंट करने जा रहे हो तो किस तरीके से काउंट करोगे? सी हियर गाइस, जैसे कि आपको ये सारी कॉलोनी काउंट करनी है, ठीक है, तो आप काउंट कैसे करोगे? पर्टिकुलर वन कॉलोनी, टू कॉलोनी, थ्री कॉलोनी, फोर कॉलोनी, इस तरीके से आप सारी कॉलोनी को काउंट करोगे। आपको पता है ना बैक्टीरिया को हम जनरली किस बेसिस पे काउंट करते हैं या फिर किस बेसिस पे हम बैक्टीरिया को देखते हैं, किस तरीके का बैक्टीरिया है? एक तो गाइस शेप एंड साइज के बेस पर, और एक उसके कलर के बेस पर। अगर गाइस आप इसमें देखो हमारी पैटर्न प्लेट में, तो आपको डिफरेंट बैक्टीरिया दिख रही होंगी, उन बैक्टीरियाज की डिफरेंट कॉलोनीज दिख रही होंगी। जैसे कि आप देखो शेप के अकॉर्डिंग देखो तो वन शेप में ये वाला बैक्टीरिया है, ठीक है। अब ये देखो शेप में बड़ा भी है, ये वाला बैक्टीरिया और है, अब ये वाला बैक्टीरिया भी देखो। और कुछ आपको बैक्टीरिया दिख रही होंगी जिनकी शेप एंड साइज कम होगा, जैसे कि ये छोटे बैक्टीरिया हुए। तो इस तरीके से आप बैक्टीरिया को काउंट करोगे किस टाइप की बैक्टीरिया हैं। और आपको कॉलोनी काउंट करनी है तो आपको पूरी कॉलोनी काउंट करनी पड़ेगी, जैसे वन टू थ्री फोर। अब गाइस जो बीप की बीप का साउंड सुन रहे हो ना, तो पर्टिकुलर कॉलोनी को काउंट करके हमें यहाँ शो करता जाएगा। ये देखिए गाइस, हमारे जीरो से स्टार्ट हुआ था, बट वो आपको जितनी कॉलोनी आप काउंट करते जा रहे हो उन कॉलोनीज को वो इंक्रीज करता जाएगा। देखो इस तरीके से इंक्रीज करा, जितनी कॉलोनी आप काउंट करोगे उतनी कॉलोनी को इंक्रीज कर देगा। और गाइस, ऐसे कि आपने पूरी कॉलोनी काउंट कर चुके हो, आपकी पूरी कॉलोनी काउंट हो चुकी है, अब आप अनदर पेटी प्लेट को काउंट करना चाहते हो, उसे सेव करना चाहते हो, तो गाइस इसमें सेव का बटन भी है, तो आप विद द हेल्प ऑफ सेव बटन आप उसको सेव भी कर सकते हो। ओके गाइस, इससे कि आपकी पूरी मेमोरी आपकी सेव हो चुकी है। अब सेकंड फंक्शन मेमोरी लोकेशन, आपको अगर मेमोरी लोकेट करनी है अपने आप को, तो आप आराम से इस मेमोरी को लोकेट करके या फिर आप लोकेट करने के बाद उसे सेव भी कर सकते हो इस फंक्शन से, हैं। थर्ड फंक्शन इज अ काउंट करेक्शन, अगर आपके काउंट में कुछ अगर मिस्टेक फॉल्ट आ चुके हैं, आपकी कॉलोनी ज़्यादा काउंट हो चुकी है तो उसको आप करेक्ट करना चाह रहे हो, तो विद द हेल्प ऑफ आप काउंट करेक्शन उसे आप करेक्ट भी कर सकते हो। जैसे कि आपने कोई कॉलोनी काउंट की, वन टू थ्री फोर फाइव, अब आपको लग रहा है इसमें करेक्शन है कुछ ना कुछ, हमसे ज़्यादा कॉलोनी काउंट हो चुकी है, तो आप गाइस उसे आराम से काउंट भी कर सकते हो। देखो काउंट करेक्शन से आप उसे बैक कर सकते हो, आराम से काउंट भी कर सकते हो। एंड गाइस, इट्स अ होल्ड, अगर आप होल्ड बटन को दबा देते हो तो आपका काउंटर मार्कर जो है, कॉलोनी काउंटर मार्कर है, वो आपका स्टेबल हो जाता है, होल्ड हो जाता है, फिर आपके वो किसी कॉलोनी को काउंट नहीं करेगा। लुक एट देयर गाइस, वो अब आपकी कोई भी कॉलोनी को काउंट नहीं कर रहा है, उस पर कोई भी आप फंक्शनलाइज करना चाहते हो उसे, आप किस तरीके से करना चाहते हो, लेकिन वो काउंट करेगा ही नहीं, होल्ड हो जाएगा। सेकंड नेक्स्ट इज सेव, अगर आपका कोई भी डाटा है, मैंने बताया था आपको, आप कॉलोनी काउंट कर लो, सारी कॉलोनी काउंट कर लो, इसे सेव कर लो, तो आपका डाटा आराम से सेव हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज चेक मेमोरी, अगर उस मेमोरी को आप चेक करना चाहते हो अपनी मेमोरी को, सेव मेमोरी को, अब अगर आप चेक करना चाहते हो तो विद द हेल्प ऑफ चेक मेमोरी आप सेव भी कर सकते हो। तो गाइस मेन बात ये है कि आपको अगर इसका यूज़ देखना है या फिर फंक्शनलाइज करना है, तो मैं तो एक बेस प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन आपको खुद ही सेल्फ ही उस कॉलोनी काउंटर के पास जाके या फिर विद द हेल्प ऑफ कॉलोनी काउंटर आपको कॉलोनी काउंट करनी पड़ेगी और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना पड़ेगा। सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट द कॉलोनी काउंटर। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद ना आई, मुझे लगता है ज़्यादा पसंद तो नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी सी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दो, और मैं ट्राई करूंगा और पूरी हार्डवर्क करूंगा कि सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता सकूं, माइक्रोबायोलॉजी लैब के बारे में बता सकूं, बायोकेमिस्ट्री लैब के बारे में बता सकूं, प्लांट साइंस लैब के बारे में बता सकूं। अगर आप मुझे हेल्प करोगे तो मैं सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड लक।